बहुचर्चित रोहतक के पेहरावर में 23 अप्रैल को भगवान परशुराम का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। इसी का निमंत्रण देने बुधवार को नवीन जय हिंद रेवाड़ी पहुंचे। यहां पर ब्राह्मण समाज की ओर से ब्रह्मगढ़ में उनका भव्य स्वागत किया गया। नवीन जय हिंद ने कहा कि रोहतक के पेहरावर में अयोध्या में बन रहे भगवान श्रीराम मंदिर की तर्ज पर भव्य भगवान परशुराम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। 23 अप्रैल को इसकी नींव रखी जाएगी। देश भर के कोने कोने से लोग यहाँ पर जुटेंगे। इसके अलावा उन्होंने देश के अन्य तमाम मसलों पर भी अपनी राय रखी। अब आपको दिखाते हैं कि रेवाड़ी पहुंचे नवीन जय हिंद ने अन्य मसलों को लेकर क्या कहा। सभी रेवाड़ी के पत्रकार साथियों का धन्यवाद। आज रेवाड़ी में न्योता देने के लिए आए हैं भगवान परशुराम जन्मोत्सव 23 अप्रैल रविवार को ब्रावर रोहतक में मनाया जाएगा और पूरे हरियाणा के साथी इकट्ठे होके 36 बिरादरी के साथ मिलकर ये आयोजन किया जा रहा है और इस आयोजन में हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश होगी और वहाँ क्योंकि भगवान परशुराम अकेले एक समाज के नहीं थे, वो भगवान थे और न्याय के देवता थे। अन्याय के खिलाफ उन्होंने फरसा उठाया था। तो हम सभी लोगों से, हर समाज के लोगों से कह रहे हैं, क्योंकि भगवान परशुराम ने ही श्री रामचंद्र जी को धनुष बाण दिया था, कृष्ण भगवान जी को सुदर्शन चक्र दिया था। इसके अलावा वहाँ पे शिकायत पेटी भी रखी जाएंगी क्योंकि न्याय के देवता थे, तो जिसकी जो भी समस्या थी वो अपनी समस्या भी अपने नाम एड्रेस के साथ वहाँ डाल के जाए, वहाँ ढोल रखा जाएगा। मुख्य अतिथि आप लोग जानते होंगे जो दादा दुलीचंद है, क्योंकि एक सामाजिक और धार्मिक प्रोग्राम। दादा दुलीचंद 104 साल जिन्होंने करीब 2,00,000 बुजुर्गों की, विधवाओं और महिलाओं की पेंशन बढ़वाई, जिनकी वजह से वो पेंशन बनी, वो मुख्य अतिथि होंगे और हमने सभी सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन सबको न्योता दिया है। और हम तो यही कहेंगे कि भाई वहाँ पे जो भोलेनाथ के भगत थे, भगवान परशुराम जो सबसे बड़े भगत थे, न्याय के जो देवता थे, एक नंबर जारी किया रजिस्ट्रेशन के लिए 70 27 822 822। दोबारा बोल देता हूँ 70 27 822 822। इस नंबर पे कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है और मैं सबको एक नियोक्ता जो है वो मेरी तरफ से नहीं है, भगवान परशुराम की तरफ से बुलावा है। और ये वही ज़मीन है परावर की, जिस ज़मीन को दोनों सरकारों ने करीब 14 साल तक कब्जे में रखा था और वो सारे भाईचारे के साथ मिलकर भरसे के दम पर उस ज़मीन को छुड़वाया गया था। वहाँ पे भगवान परशुराम मंदिर मूर्ति निर्माण की नींव रखी जाएगी। जिस तरह अयोध्या में राम मंदिर, उसी तरह से रोहतक परावर में भगवान परशुराम मंदिर बनेगा। कोई सवाल है आपका तो क्या सर ये देश का सबसे बड़ा मंदिर होगा? अब ये लोग, समाज के लोग तय करेंगे कितना बड़ा होगा कितना नहीं होगा, लेकिन हम सबको ये करें, एक ईंट लेके आइए, एक नोट लेके आइए और ये भाईचारे का और एक ये ऐतिहासिक प्रोग्राम होने वाला है। और मैं रेवाड़ी वासियों को, सबको, रेवाड़ी जिला के सभी समाज के लोगों को न्योता दे रहे हैं और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं ये सब हर जगह जाके हर समाज के लोगों को न्योता दे रहे हैं। नवीन जी, थोड़ा सा राजनीतिक बात कर लेते हैं, देश और प्रदेश के हालात की बात करें तो किस तरह देखते हो आप अपनी तरफ से, कैसा लगता है आपको? भैया आप पूछो के पूछो ना, मैं तो फिर बता दूंगा कौन सा पॉइंट पूछ। कैसे हालात है देश के फिलहाल, कानून व्यवस्था की बात करें या देखो फिर? जहां तक सवाल है तो मुख्यमंत्री जी खुद खाट पे चर्चा कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी के सामने लोग अपनी समस्याएं लेके आ रहे हैं, लेकिन वो उनको सुन नहीं पा रहे हैं। समस्या सबको है, बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या मुझे लगता है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, और हमने करीब एक साल पहले एक डिमांड की थी, सरकार ने अभी मानी है, वो लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि सभी अधिकारी 11 से 1 समस्या सुनने के लिए बैठे, तो लोग वहाँ पे जाएं और समस्या बताएं। इन अधिकारियों के साथ नेताओं को भी
11 से 1 बैठना चाहिए ताकि जनता की समस्याएं, चाहे कोई एमपी है, चाहे कोई एमएलए है, मंत्री है, वो भी अगर बैठेंगे तो मुझे लगता है कि जनता को उस चीज़ का फायदा। कानून व्यवस्था है तो वो भी चौपट है, वहाँ भी कानून व्यवस्था, पूरे हरियाणा की कानून व्यवस्था की बात है, टॉप में चल रहा है, बेरोजगारी में टॉप में चल रहा है। अभी मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया न्यायपालिका के बारे में, कुछ कहा, बाद में कहा कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, तो किस तरह से देखते हो? अभी देखो, वो मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री हाईकोर्ट के जज को बता रहे हैं माथा खराब है, तो अब जज साहब का माथा चेक करवाओ भाई, वो तो केवरा किसे किसे निर्णय दे देगा फिर। मेरे ख्याल में तो नहीं कहनी चाहिए थी जज को, ये तो न्यायपालिका को डराना धमकाना है। और हो सके मुख्यमंत्री के शर्मा घूमड़ी हो भाई, केवरा कह दिया होगा। किसानों के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते, किसानों की फसलों की बात करें तो अभी ओलावृष्टि से फसलें खराब हुई, किसानों को भी नुकसान हुआ है किसानों को। मैं सबसे पहले वहाँ पे गया था, मैं एक दादरी का एक गांव था, वहाँ पूरे गांव की फसल बर्बाद हो गई। मुझे लगता है कि जो ये सिस्टम सरकार ने चला रखा है ना, ऑनलाइन पोर्टल फलाना दिकड़ा, किस किसान को पता है? ऑनलाइन ही ऑन ग्राउंड उतरना पड़ेगा अधिकारियों को। मुख्यमंत्री जी ऑनलाइन अपने अधिकारियों को ग्राउंड पे उतारिए, तब जाके बात बन सकती है। और जो विधायक हैं यहाँ के भी, जो विधायक हैं वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे एमपी हैं, उनको चाचा है अपने कमरों से निकल के, अपने घरों से निकल के जाके लोगों की स्थिति देखनी चाहिए। और इसके अलावा एक चीज़ मैं और जरूर कहूँगा, किसान सबसे ज़्यादा सुसाइड करता है कर्ज के कारण, तो किसान भाइयों से ये निवेदन जरूर है, वो दुख में जरूर है लेकिन मरने की सोचने की किसी को जरूरत है नहीं। और समाज के संपन्न लोगों को, इस तरह के लोगों को सहायता भी करनी चाहिए, सरकार के अलावा भी सहायता होनी चाहिए, और 50,000 मुआवजा जरूर होना चाहिए कम से कम। अभी राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई, बाद में वो सदस्यता उन्होंने कोर्ट में अर्जी लगाई, तब उसकी जो है जमानत जो है हो गई, तो अब अगली जमानत पर रोक लगा दी गई है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? कोर्ट का मामला, उसमें क्या कहूँगी, सदस्यता चली गई तो चली गई, संसद से बड़ी हो सड़क है। अगर लोगों के लिए संघर्ष करना, मैं कौन सा एम पी एम एल ए हूँ बताओ के है? अगर आपने लोगों के लिए संघर्ष करना है, वो आप एक पार्टी के प्रमुख हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, वो तो एक पार्टी के तो ऊपर बैठे हैं ना, तो मेरे ख्याल में संसद में जाने की जरूरत थोड़ी हो गई। सड़क बहुत बड़ी है और सड़क का संघर्ष संसद से बड़ा होता है, मेरा अपना ऐसा मानना है, इसमें कोई उनको मानने की जरूरत नहीं है।